हे गाइस, वेलकम बैक टू इल्यूमिनाटी वेंचर्स। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आ गए हैं। आपको ये प्रॉपर्टी देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब सुशांत लोक सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, 300 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी। इसमें चारों फ्लोर्स रेडी हो चुके हैं, 15-20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, 10-15 दिन लगेंगे पूरी तरह से लेबर को बाहर निकल जाने में। बट बाय एंड लार्ज 99.9% प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी है और आपको स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार चीज़ है। नाउ ये बिल्कुल सुपर लग्जरी लेवल पे बनी हुई है। आम तौर पे 300 यार्ड्स में जो फ्लोर्स में घर निकलते हैं, 4 बेडरूम के घर होते हैं। इसमें 4 बेडरूम तो हैं, उसके अलावा एक प्रॉपर फैमिली लाउंज बना हुआ है, जिसको आप एक होम थिएटर रूम या एक बहुत ही भव्य टाइप का मंदिर बना सकते हो। बहुत सही चीज़ें बेसिकली। इससे पहले कि मैं आई शुड नॉट जंप द गन, आई शुड शो यू द प्रॉपर्टी पूरा। चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं, टॉप प्लस टेरेस भी अवेलेबल है। इसको मैं आपको अभी अपर ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको ले जाऊँगा सीधा टेरेस दिखाऊँगा। जिस चारों फ्लोर सेम है तो अपर ग्राउंड देख लिया, तो बेसिकली सारे फ्लोर ही सेम है। उसके बाद टॉप फ्लोर देख लेंगे और देखेंगे हमें क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। नाउ इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ में नहीं होती हैं, बिकॉज दिस इज़ आउट ऑफ द ऑब्वियस, तो यू शुड नो। नंबर वन, आप ये देखो, 300 गज में बिना पिलर की स्टिल्ट। मतलब 215 गज में तो मैंने बहुत बारी दिखाई है ये चीज़, बट 300 गज में बिना पिलर की स्टिल्ट है और फुल नेक्स्ट लेवल लग रही है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही सही वेटिंग लॉन्ज है। बेसिकली आपके घर में अगर वेटिंग लेवल की कोई चीज़ आ रही है, मतलब जोमेटो से कोई आ रहा है, अमेजोन से कोई आ रहा है, स्विगी से कोई आ रहा है और वो यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपके फ्लोर लेवल पे कोई आए, तो यहीं पे आप उनको रिसीव करा सकते हैं। अगर आपके घर में, जैसे कि मैं कहता हूँ, फैक्ट्री से कोई कुछ साइन कराने के लिए आ रहा है, आप उनको ऊपर घर पे नहीं बुलाना चाहते, तो यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए होंगे इस लॉन्ज में, वो आपकी वेट कर सकते हैं। आप नीचे आइए, अपने चेक साइन कीजिए और उनको भेज दीजिए। नाउ इसके अलावा, एज आई मेंशन, पूरा स्टिल्ट लेवल क्लीन है। इसमें कुछ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्विकली आओ मैं आपको फटाफट दिखा के ख़त्म करता हूँ। नंबर वन, सर्वेंट क्वार्टर्स अंदर की तरफ से हैं, विच मीन्स जनरली आपको स्टिल्ट लेवल पे यहाँ पे दरवाजे दिख जाते हैं, दरवाजा 1, 2, 3, 4, जो मैं कई प्रॉपर्टीज में दिखा चुका हूँ। बट इसमें सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत काम वाम चल रहा है, 1, 2, 3, 4 दरवाजे बेसिकली 4 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, अच्छे खासे बड़े सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। इसमें बेसिकली 6 फुट का सर्वेंट का आपका बेड आ जाएगा, साथ में एक साइड टेबल भी आ जाएगी, साथ में एक छोटी अलमारी भी आ जाएगी। उस अलमारी में आप अपनी स्टोरेज भी दे सकते हैं या सर्वेंट की स्टोरेज भी हो सकती है। प्लस इसमें एक छोटी सी खिड़की भी है जिसमें वो अपना पर्दा लगा सकते हैं, आप अपना कांच लगा सकते हैं, जिससे कि वो भी एक इंसान की तरह बढ़िया से रह पाए। नाउ हैविंग सेड दैट, इसमें कुछ कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जनरली नंबर वन, आप ये देखो, ये चीज़ आप देख रहे हो, मतलब आर्टिफैक्ट्स लगाने के लिए कितनी सुंदर जगह है। 2 गाड़ियों की लेन इस टिल्ट में पैरेलल ही चल सकती है। एंड जो नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, अटेंशन टू डिटेल देखो, बस नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, आप उस टैंक की एक बार शक्ल देख लो, पूरे टाइल्ड हैं। आप समझ रहे हो उसका मतलब क्या है, कि ये टैंक्स साफ करने सुपर 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 ईजी होते हैं। आप साल में एक बार ही, दो बार ही, या 2 साल में एक बार ही अपना टैंक खाली करवाइए और इसमें अगर आप सफाई कराते हैं तो सिर्फ एक गीले कपड़े से टैंक साफ हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये बेसिकली एक हाइजीन फैक्टर भी है, प्लस एक अटेंशन टू डिटेल भी है। मैंने 500 गज की प्रॉपर्टीज भी ट्रांजैक्ट कराई हैं जिसमें बिल्डर ने टाइल लगाने से मना कर दिया था। सो मतलब ये क्योंकि एक एक्स्ट्रा काम है, जो कि ऑफकोर्स कॉस्ट तो है ही, लेकिन एक सरदर्दी भी है इसको कराना, बट यहाँ पे बिल्डर आपको ये पूरी तरह से करा के दे रहा है। नाउ यहाँ से आप देखिए, ये हमारा मेन गेट था जहाँ से हम एंटर किए थे, एंड इस यहाँ पे हमारा वेटिंग लाउंज था और ये हमारा सेकंड बैरियर टू एंट्री है। दिस इज़ बेसिकली, यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है जो ऊपर से खुल जाएगा आपके फ्लोर से, जब कोई आता है तो वहाँ से वो अंदर आ सकता है। इस दरवाजे को खोलने के बाद ही लिफ्ट का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो कोई अंदर नहीं आ सकता। शेंडलर की लिफ्ट लगी हुई है एंड विच एज यू नो इज़ अ टॉप क्लास कंपनी, फर्स्ट क्लास चीज़ें बनाती है और गुड़गांव में ऑलमोस्ट हर बिल्डर फ्लोर में शेंडलर, थिसनक्रूप, कोने वगैरह की लिफ्ट्स आजकल लग रही हैं। कोई भी इंडियन ब्रांड्स को यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सक्लूसिव चीज़ें ही लग रही हैं। अब हम आ गए हैं अपने अपर ग्राउंड फ्लोर पे, चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं एज वी स्पीक राइट नाउ। आ जाओ फिर वेट किस चीज़ की। सो वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज़ द हाउस। एक बारी इसके ड्राॅइंग रूम को देखो, दिस इज़ द ड्राॅइंग डाइनिंग एरिया, दिस इज़ सो नाइस। अच्छा खासा बड़ा एरिया है, 2.5 टन के AC लगे हुए हैं, 3 टनेज की कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड
जरा फॉल सीलिंग और शैंडलियर पे भी एक नज़र मार लो, इट इज़ सो नाइस, फर्स्ट क्लास चीज़ें लगी हुई हैं, लुक्स ब्यूटिफुल। इसके साथ सारा वुडवर्क फिनिश हो चुका है। यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम लेवल का अपना टीवी कैबिनेट विद दिस ब्यूटिफुल गोल्डन हैंडल्स वाले ड्रॉर्स, ये सारा आपको लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपने बढ़िया सा एल शेप का कुछ लगा सकते हैं और यहाँ पे एक 8-10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से आ सकती है, इट विल लुक वेरी नाइस। नाउ यहाँ से चलेंगे अपनी बालकनी क्विकली भाई देख लेते हैं, अच्छी खासी बड़ी चौड़ी बालकनी। इसमें सारे डाइकिन के इन्वर्टर एसीज लगे हुए हैं, जस्ट हैव अ लुक। इन्वर्टर एसी इज नॉट अ चीप थिंग, इन्वर्टर एसी महंगा आता है, जनरली सब लोग डाइकिन के एसी तो लगा देते हैं 2-3 स्टार टाइप के, बट इन्वर्टर एसी इज एन एक्सपेंसिव थिंग, सब लोग नहीं लगा के देते। ये दिस इज द फुल बैल्कनी, कैन यू सी द साइज कितना बढ़िया है, एंड प्लस एलिवेशन के साथ जो फीचर्स दिए हुए हैं वो बड़े अच्छे हैं, दिस इज सो नाइस। इसमें आप ये देखिए, वेरी नाइस एलिवेशन फीचर्स। इसमें आप कोई चीज़ लगाते हैं तो ये नज़र नहीं आएगी बाहर से, क्योंकि आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, एंड साथ में वाटर आउटलेट भी दिया हुआ है। सारी दीवारों पे हार्ड टेक्सचर्ड पेंट्स लगे हुए हैं, विच फ्रैंकली लुक्स वेरी नाइस, और ये मतलब बहुत बहुत लंबा लास्ट करते हैं, बिकॉज गुड़गांव में कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें ये टेक्सचर्ड पेंट्स हो रखे थे, 20-30 साल नहीं हिले हैं मोस्ट ये पेंट्स, सो आई नो ये पेंट्स का क्या लेवल क्या होता है। नाउ यहाँ से चलेंगे, अपने चारों बेडरूम्स तो देखेंगे ही, और वो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक बड़ा सुंदर सा फैमिली लाउंज / पूजा एरिया जिसमें भव्य मंदिर बनता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे डोर सेट का क्लॉक लगा हुआ है, इसको भी प्रोटेक्टिव फिल्म से कवर कर रखा है। यहाँ पे आई थिंक इसकी बैटरी अभी नहीं डाली हुई, बट यहाँ पे कीपैड होता है, एंड यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सिस्टम होता है, एंड यहाँ पे आपका विजिटर एक्सेस सिस्टम लगा हुआ है। ऑफकोर्स ये कवर्ड है, उतर जाएगा ये, यहाँ पे जब कोई आपको नीचे घंटी बजाएगा तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो आ जाएगी, कैमराज नीचे लगे हुए हैं। नाउ ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, ऑफकोर्स एक थोड़ी सी चीज़ रखी हुई है, वो पेंटर सामान अपना हटा लेंगे, आई थिंक जैसे कि मैंने बताया 5-10 दिन में यहाँ से सारी लेबर मूवमेंट हट जाएगी। दिस इज़ द बेडरूम, डे टन का एसी लगा हुआ है, और माय गॉड द वॉल्स आर वेरी वेरी नाइस, साफ सुथरी सट फ्लैट वॉल्स जो कि मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा उस चीज़ को पॉइंट आउट करता हूँ। साथ में ये पूरा वुडवर्क हाई ग्लॉस फिनिश में हो रखा है, यहाँ पे अपना टीवी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक डबल बेड की आराम से जगह है, और डबल बेड के अलावा यहाँ पे एक छोटा एरिया और है जहाँ पे आप सिंगल सीटर 1 seat टेबल एंड 1 seat ये वाली एक चीज़ और लगा सकते हैं। प्लस आता है यहाँ पे इसका वॉक इन क्लॉजेट, सो ये इसका वॉक इन क्लॉजेट है, यहाँ पे पीछे से बंद है बट इसमें ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि मैं देख सकता हूँ, बंद नहीं है, लाइट्स लगी हुई है वहाँ पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा वेल लिट हो जाता है, एंड ये सारी ग्लास की सारी फिनिशेस हैं, और साथ में है इसका वॉशरूम, वॉशरूम में मिरर आना रह गया, मिरर अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, और जो ओ वाओ बस जस्ट हैव अ लुक, टाइल्स के साथ बहुत ही सुंदर ब्रास इनले का वर्क हो रखा है, इट्स लुक्स जस्ट सो क्लासी, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। फ्रेंकली यहाँ पे दिस इज़ द बाथरूम, ये शावर का मिक्सर यूनिट और शावर अभी लगना बाकी है, बट यहाँ पे स्टोरेज यूनिट छोटी छोटी दे रखी है जहाँ पर अपनी शैम्पू की बॉटल्स और साबुन वगैरह आप रख सकते हैं। दिस इज़ फॉर द टॉवल रैक एंड 1 handle कम टॉवल रैक हियर, यहाँ पे आपके रग्स वगैरह आ जाएंगे, मतलब जब रहना आप शुरू करेंगे ना मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से चलेंगे अपना रेस्ट ऑफ द हाउस देखेंगे, आपको जो मैं खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इटालियन मार्बल तो ऑफकोर्स पूरे घर में है ही है, ओके, सो टॉप लेवल का डायमंड पॉलिश्ड इटालियन मार्बल तो लगा हुआ आता ही है। इसके अलावा जस्ट लुक एट दिस मोज़ेक, इजंट दिस जस्ट फैबुलस, कितना सुंदर मोज़ेक बना हुआ है, इस ये चेकर्ड फिनिश बेसिकली इतनी सुंदर लगती है मुझे, ये किसी बहुत बड़े 5-star में अगर आप गए हो तो आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे, मोज़ेक्स बनाने बहुत स्किल का काम होता है, और इसमें कोई जॉइंट नहीं है, इसमें इफ़ यू कैन सी इसमें ग्राउट्स इतनी ब्यूटीफुली भर रखे हैं, इसमें कोई आपको गंदी गंदी वाइट लाइंस वगैरह नहीं नज़र आएंगी, बिकॉज ये स्टोन है टाइल्स नहीं है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू फिनिश दिस। यहाँ से हम आते हैं अपने किचन में, सो दिस इज़ द किचन, काफ़ी साफ सुथरा वेल अपॉइंटेड किचन है, हर चीज़ इसमें रेडी है, ये इसका ब्यूटीफुल पैंट्री यूनिट है, इसमें मतलब आप बताओ यार कितने मसाले रखोगे अपने घर में, कितने मसाले कितनी सॉस की बोतलें, आई डोंट इवन नो। उसके अलावा एक और ये बड़ी स्टोरेज यूनिट ओवरहेड है, ऑफ कोर्स मॉड्यूलर किचन है तो यहाँ पे आप एक स्लैब सॉरी शेल्फ और भी डल जाएगा,
एंड एलिका की माइक्रोवेव एंड ओटीजी यहाँ पर लगा हुआ आता है। फ्रिज की एक अच्छी खासी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे आप एक अच्छा खासा बड़ा सा फ्रिज लगा सकते हैं। इंटेलिजेंटली पीछे इसके स्विच दे रखा है, जिससे कि आपको बस पीछे से उसको प्लग इन करना है और कोई वायर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। हॉब एंड चिमनी लगा हुआ है, एंड प्लीज नोट दिस अगेन इज एलिका की हॉब एंड चिमनी। ये मतलब वी आर यूज टू वर्ड कैप वगैरह मिलता है, बट ये दिस इज एक्सपेंसिव स्टफ। ये चिमनीज बेसिकली ऐसे ऐसे खुलते हैं, ये दीज आर द फ्लैप्स जो पूरे खुलते हैं, एंड यहाँ से सीधा ये खींच लेता सारा स्मोक। एंड यहाँ पे आता है हमारा एलिका का ही हॉब, जो कि फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस, ये रहा एलिका इसका नाम। एंड दिस इज अ बिग हॉब, इसमें अगर आप कुकर्स भी रखते हैं तो वो कुकर्स भी आपस में टच नहीं करेंगे, तो इस हॉब का सर्फेस एरिया बड़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ से आते हैं, अब एक पाउडर रूम भी है, मतलब आई एम फाइंडिंग दिस प्रॉपर्टी सो नाइस। सो दिस इज अ पाउडर रूम, जहाँ पे गेस्ट आपके, जब आप पार्टी करते हैं तो गेस्ट आपके घर में आते हैं, वो लोग इस पाउडर रूम को यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम्स को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर रूम काफ़ी वेल अपॉइंटेड, साफ सुथरा, नीट बना हुआ है, एक बार चाहें तो उसको अंदर से देख लीजिए। सो दिस इज बेसिकली हाउ द पाउडर रूम लुक्स लाइक। स्पेशल मेंशन, यहाँ पे जो दरवाजे दिए हुए हैं, ऑफकोर्स थोड़ी सी मिट्टी है अभी, इसको हम फिनिश तो करके देंगे ही आपको, क्योंकि ग्रूव्स वगैरह का वर्क इस काफ़ी अच्छा हो रखा है। पॉलिश दरवाजे हैं, सनमाइका का काम नहीं हो रखा, सो विच इज़ बेसिकली वन मोर यू नो एडेड थिंग टू सी दिस। नाउ हियर इज द फैमिली लाउंज, दिस इज अ डेडिकेटेड फैमिली लाउंज, जिसमें आप एक स्लाइडिंग ग्लास डोर या ओपन एमल ग्लास डोर लगा सकते हैं, या इसको खुला भी छोड़ सकते हैं अगर आपने इसको मंदिर बनाना है तो। यहाँ पे आप प्रॉपर मंदिर बना सकते हैं, मतलब दिस इज सच अ नाइस स्पेस। इसमें मतलब इतनी वॉल पे आपको शेल्फ्स डाल के आप यहाँ पे मूर्तियाँ रखिए या कुछ भी रखिए, या अगर नहीं भी रखना, इसको सिर्फ बंद करके एक छोटा स्टोर भी बना सकते हैं अगर आप मंदिर मतलब धार्मिक टाइप के नहीं हैं तो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे वायरिंग दे रखी है, जहाँ पे आप अपना टीवी हैंग कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े रिक्लाइनर्स लगा सकते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल चिल से बैठ के टीवी देख सकते हैं। कितनी फन चीज़ है, अगर घर में आपकी पार्टी चल रही है, लंबी चौड़ी पार्टी चल रही है, तो ये फिर भी एक सिक्लूडेड एरिया है जहाँ पे बेसिकली आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट सॉरी सेकंड बेडरूम, इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है क्योंकि एसीज वगैरह इंस्टॉल हो रहे थे, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। बेसिकली थर्माकोल और कार्डबोर्ड ही है जो कि हट जाएगा, और यहाँ पे वुडन टेक्सचर की टाइल्स हैं। दिस इज़ द वन रूम जिसमें वुडन फिनिश वाली टाइल्स हैं। दिस टाइल बेसिकली दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, बहुत सुंदर लगता है इसका फिनिश। हालांकि कई घरों में इसमें इटालियन मार्बल ही होता है मोस्टली रूम्स में, या वुडन फ्लोरिंग देते हैं। एक्चुअली वुडन फ्लोरिंग का नॉट यू नो अ वेरी बिग फैन, बिकॉज वुडन फ्लोरिंग मतलब मेंटेनेंस बहुत मांगती है। देन देयर इज़ अ बाथरूम नेक्स्ट टू इट, दिस राइट हियर इज़ द बाथरूम। बाथरूम में ऑफकोर्स शावर कैबिन है, एंड मैं लाइट जलाता हूँ, शावर कैबिन है, एक फैन लगा हुआ है, एंड ऑफकोर्स वॉश बेसिन वगैरह है, एंड एक अलग से रीडिंग नुक है। दिस इज अगेन समथिंग जो कि नहीं मिलता है। यहाँ पे आप अपनी पूरी वॉल पे एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, दिस इज़ अ गुड एरिया फॉर मेकिंग अ लाइब्रेरी। उसके अलावा यहाँ पे आप चेयर्स लगा सकते हैं जहाँ पे आप बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने घर से थोड़ा सा कट ऑफ करके शांति का कुछ एक टाइम निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्पेस जो निकली हुई है। यहाँ पे ऑफकोर्स बेड तो यहाँ पे आपके आ ही जाएंगे, इधर बेड आने की मेन जगह है बेसिकली दोनों स्विचेस के बीच में। इफ़ यू कैन सी देयर इज़ वन स्विच देयर एंड वन स्विच देयर, इसके बीच में आपका करीब 2-6 फुट पे यहाँ पे आपका बेड कंप्लीट हो जाता है, और ये एरिया बेसिकली खाली रहता है जहाँ से मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे आपका टीवी वगैरह आ जाएगा, एंड ये घर बड़ा स्मार्ट लगेगा। नाउ बाकी के जो दो बेडरूम है, एक बेडरूम तो मैंने आपको फ्रंट में दिखाई दिया, दो बेडरूम और हैं, दोनों में सेम इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग है, और मास्टर बेडरूम ना लास्ट में देखेंगे। ये वाला बेडरूम पहले देख लेते हैं, दिस इज नॉट द मास्टर बेडरूम बट जस्ट हैव अ लुक एट द साइज, दिस इज अ गुड साइज बेडरूम। दिस बिटवीन द स्विचेस इज द प्लेस डेडिकेटेड फॉर द बेड, 6 फुट के आसपास यहाँ पे बेड आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड ये वाली अनदर 6-6.5 फुट की जगह जो है ये आपके पास खुली हुई रहती है, जहाँ पे आप अपना सुंदर सा टीवी हैंग करेंगे। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस, सो बड़ी ही सुंदर इसमें कबर्ड्स बनी हुई हैं, कबर्ड्स भी अंदर से लिट हैं। आई थिंक इसकी लाइट यरी मैंने ऑन कर दी, सो नाउ आपको समझ आ रहा होगा। ऑफकोर्स सॉफ्ट क्लोज वगैरह सब कुछ, ये वाले हिंजेस तो आजकल आते ही लगे हुए मिलते हैं, साथ में बालकनी भी है। सो यहाँ से एक पूरी फुल लेंथ की बालकनी जो इस घर की लेंथ पर चलती हुई,
ये आपको मिल जाती है। फर्स्ट क्लास बालकनी है, इसमें एसी के एग्जॉस्ट यूनिट्स लगे हुए हैं एंड बालकनी के लिए मेश डोर जाली का दरवाज़ा भी आपको लगा हुआ मिल जाता है। साथ में है इसके अटैच्ड बाथरूम। दिस इज द बाथरूम राइट हियर। इसमें जस्ट नोटिस सारे घर में बाथरूम्स वगैरह में कूलर की फिटिंग्स लगी हुई हैं। दिस इज एन एक्सपेंसिव ब्रांड एंड मैं सोचान लोग डीएलएफ में सस्ता काम करता कौन है आज की रेट में। टोटल हाईफाई काम करा हुआ मिलता है। सो दिस इज एक वुड वर्क आपको करा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप अपना सुंदर सा टीवी हैंग कीजिए एंड मतलब इन्जॉय। यहाँ से चलेंगे अपने मास्टर बेडरूम में। दिस इज द मास्टर बेडरूम, वेलकम। दिस इज द मास्टर बेडरूम राइट हियर। यहाँ पे आपका बेड आ जाता है और ये सारा एरिया खाली रहता है। सो बेसिकली इस स्विच से यहाँ का जो सारा एरिया है ये खाली रहेगा। यहाँ पे आप एक अपनी सुंदर सी हाई चेयर लगाइए, सामने एक टेबल लगाइए, सामने चाहें तो आप स्टडी टेबल लगा सकते हैं, इधर टेबल स्टडी टेबल लगा के नीचे जिसके स्विचेस हैं अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं जिससे कि बैठ के आप काम कर सकें यहाँ पे। सो दिस इज ए गुड ऑप्शन जो मास्टर बेडरूम के अंदर दिया हुआ है एंड साथ में ऑफकोर्स दिया हुआ है इसका वॉक इन क्लॉजेट। यहाँ पे एक मिरर आ जाएगा। दिस इज द स्पेस फॉर द मिरर टू बी पेस्टेड एंड दिस इज बेसिकली द कबर्ड्स। अगेन वेल सारी कबर्ड्स अंदर से लिट हैं एंड इसका स्विच पता नहीं कहाँ पे है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे कहीं पे होगा, मुझे अभी मिल नहीं रहा, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लाइट नजर आ रही है, आपको भी आई थिंक नजर आ रही होगी। गरम करने के लिए, सर्व अप करने के लिए। नाउ एक बार इस टेरेस को हम यहाँ से देख लेते हैं। सारी टेरेस पे ये पॉइंटर डाउन पॉइंटिंग लाइट्स लगी हुई हैं जो कि हाईलाइट करती हैं इस टेरेस को एज मूड लाइटिंग। नाउ इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टेरेस में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं टेरेस पे तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड केटरर्स का खाना बनाने का एरिया भी है, या यहाँ पे आप खाना सर्व भी कर सकते हैं। इस पूरी दीवार के साथ आपकी बेन मेरी लग जाएगी जहाँ पे खाना सर्व हो जाएगा और लोग अपनी प्लेट उठाएंगे और खाना खाएंगे। सो बेसिकली दैट वाज द हाउस गाइस। आई होप यू लाइक द प्रॉपर्टी। नाउ जैसा कि मेरा आपसे हमेशा प्रॉमिस रहता है, ये प्रॉपर्टी भी मार्केट से बेटर प्राइस पे अवेलेबल है। अगर परेशान हो गए प्रॉपर्टी ढूंढते हो और अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी, क्विकली मुझे फ़ोन कर लो, प्राइसेस पूछ लो, देखने आ जाओ और ट्रांजैक्ट करो। जस्ट क्विकली ट्रांजैक्ट दीज प्रॉपर्टीज़, ख़त्म करो लेके। एंड मैं हमेशा बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज लाने की कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस में। आज की रेट में बाय एंड लार्ज 300 गज की प्रॉपर्टी टॉप फ्लोर के लिए 3 करोड़
तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। रफली अबाउट 3.5-3.5 की आस्किंग हो रही है सुशांत लोक एरिया में, एंड डीएलएफ एरिया में रफली अबाउट 375-4 crore की आस्किंग हो रही है फॉर टॉप एंड टेरेस। ये प्रॉपर्टी इतने पे नहीं, इससे बहुत 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 नीचे पे अवेलेबल है। गुड यू नो नेगोशिएशन दैट कैन हैपन। आप क्विक लीज़ को आके क्लोज कीजिए, एक क्विक लुक लीजिए इसके आसपास के एरियाज़ का। सामने मैरियट होटल है एंड फेस 4 की हाई राइजेज नज़र आती हैं। वहाँ पे कहीं पे हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। सो देर किस बात की, इस वीडियो को क्विकली लाइक कर लो जैसे कि आपके लाइक वीडियोस में रहे और आप इसको मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर कर दो विद एनीबडी हु इज लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, एंड अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें कॉल कर लीजिए, प्राइस भी समझ लीजिए, देखने भी आ जाइए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शो दिस प्रॉपर्टी टू यू। प्लस वी हैव मेनी 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 ऑप्शंस अक्रॉस डीएलएफ फेज 1, 2, 4 एंड सुशांत लोक 1। टोटल मिला के कहूँ तो ऑलमोस्ट 500-600 ऑप्शंस विच आर करंटली अवेलेबल, डिफरेंट साइजेस ऑफ कोर्स, बट देर किस बात की। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल सच टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चीयर्स।